बेबू करीना कपूर खान आए दिन अपने फिल्मी करियर को लेकर चर्चा का विषय बनी ही रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करीना कपूर खान फिर से कैसी चर्चा का विषय बनी, वजह क्या थी उनकी चर्चा का विषय बनने के पीछे। दरअसल जानकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन एक बार करीना कपूर खान को मांगनी ही पड़ी थी माफ़ी। दरअसल करीना कपूर खान ने माफ़ी इसलिए मांगी थी क्योंकि करीना को कुछ ऐसा करना ही पड़ा। पब्लिकली करीना माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हुई। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम आपके बीच बात ज़रूर करना चाहेंगे। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताना चाहेंगे। ये अभी की नहीं, उस वक्त की बात है जब रोहित शेट्टी ही उनके साथ मौजूद थे। वेल वेल वेल, शायद आप जानते नहीं हो, लेकिन बेबो अपने एटीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब गोलमाल 3 के प्रमोशन के दौरान की बात है, सिंगिंग रियलिटी शो में पहुंची करीना कपूर खान, और उस वक्त हुआ कुछ ऐसा कि करीना कपूर खान अपने दादा राज कपूर के साथ राम प्रसाद गोयनका के साथी को लेकर चर्चा में आए। करीना को उन्होंने गोद में खिलाया। राज कपूर के साथ बतौर टेक्नीशियन फिल्म से आज से लेकर सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने काम किया था ये कहा जाता है, जिसकी वजह से करीना की वो करीब भी रहे। करीना ने इसे लेकर ही अपनी बात रखी थी। अजय देवगन भी हैरान रह गए थे वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। दरअसल करीना के हाथों 8 लाख रुपए का चेक दिलवाया गया राम प्रसाद को। करीना बहुत इमोशनल होकर राम प्रसाद को चेक तो दे बैठी और डगमगाते हुए राम प्रसाद वहाँ अपनी व्हील चेयर से उठे और नागिन डांस करने लगे। देख करीना के साथ अजय देवगन काफ़ी हैरान रहे और राम प्रसाद ने मेकअप उतारा और कॉमेडियन ब्रिजेश हिरजी निकले। वो ब्रिजेश को देखते करीना उन्हें मारने दौड़ने लगी। दैत रोहित शेट्टी ने उन्हें रोका, सबके सामने करीना से माफ़ी मांगने को उन्हें कहा और ये सिर्फ प्रैंक था। करीना ने रोहित को माफ़ कर दिया और कहा, अच्छा हुआ मैंने ब्रिजेश के पैर नहीं छुए क्योंकि चेक देने के बाद मैं ऐसा करने भी वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर सॉरी कहा खुद को कि थैंक गॉड उन्होंने अपने आप को इस रिस्पेक्ट से बचा लिया। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम से तृप्ति करी।